बिहार में ये पहला केस है कि अस्पताल की जमीन को भू माफियाओं द्वारा, इतना दबंग भू माफिया सब है कि शहर में नौटंकी किया है, बहन से लिखवा लिया, बेटी से लिखवा के दखल किया, शहर को छोड़कर अब देहात की तरफ बढ़ रहा है। सरैया पेट्रोल पंप के पीछे भी ये लोग किया था, यही भू माफिया लोग, और इसमें मारपीट का हुआ था, इसमें भू माफियाओं को रगेत के मारा था लोग, उसमें FIR भी हुआ। उसके बाद सरैया अस्पताल की जमीन, जो रोड में चार जरीब जमीन है, चार जरीब जमीन और सादिकपुर का जो जमीन है, पूरे सादिकपुर 22 जरीब का है और 22 जरीब में 22 फीट जमीन बेची है सर जमीन पर, तो 268 फीट जमीन मिलना चाहिए रोड में सरैया हॉस्पिटल को, जो 242 फीट मिला है। और इतना दबंग भू माफिया लोग है कि ये लोकसभा चुनाव के पहले नापी हुआ तो हम लोग नापी से संतुष्ट थे, उसके बाद जो नापी हुआ है ऊपर से नीचे तक पूरा मैनेज करके नापी किया गया है, जो हम लोग नहीं मानेंगे। जिला प्रशासन के लोग अगर ये स्वच्छ नापी निष्पक्ष नापी नहीं कराते हैं तो हम लोग जन कार्रवाई करेंगे, जन कार्रवाई, जनता अपना डिसीजन लेगी, शासन प्रशासन के लोग हट जाए, हम लोग जन कार्रवाई करके बाउंड्री वाल करेंगे। सरैया CAC के जमीन आ गया, विस्मृति शाही और आशुतोष शाही जो 62 फीट जमीन पर जो अवैध कब्जा किए, 52 फीट जमीन को उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया, यही नहीं बाउंड्री वॉल तोड़ दिया गया, दो दो बाथरूम को तोड़ दिया गया और दिन के उजाले में काम कराया गया, JCB से तोड़वाया गया। और उसमें बाद में जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन के बाद में उसमें FIR बिना बाई नेम हुआ। हम मांग करते हैं जब बाई नेम FIR दर्ज हो, जब उसकी नापी हुई तो नापी में 62 फीट जमीन निकला, अंचलाधिकारी सीमांकन किए, सीमांकन करने के बाद में फिर से DCLR महोदय द्वारा फिर नापी के डेट रखा गया, 16 तारीख को नापी किया गया, उसमें भी वही ना पाया। फिर बाद में 17 तारीख को अमीन आ करके फिर उस नापी को गलत ठहराते हुए उसमें से 15 फीट और जमीन घटा दिया गया। हम कहना चाह रहे हैं जो हॉस्पिटल को जब 1922 में जमीन दिया गया, 62 से पहले दिया गया जमीन, उसके नाम से सर्वे है, उसके नाम से नक्शा है, खतियान है, फिर भी वहाँ भूमाफिया, जो वहाँ भूमाफिया जमीन जो लाखों के खरीद करके आज करोड़ों में बेच रहे हैं, वो लोग के मिली भगत से लोकसभा चुनाव के पहले नापी हुआ तो नापी ठीक था, जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हो रहा है फिर से उस पर DCLR महोदय द्वारा नापी करवाया गया और नापी में घाल मिल करके जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है। लगभग 200 फीट में भूमाफिया द्वारा सोलिंग भी कर लिया गया है और बाउंड्री भी तोड़ा गया है, बाथरूम भी तोड़ा गया है। हम मांग करते हैं सरैया के अमीन राहुल कुमार पर अविलंब उसको बर्खास्त किया जाए, उसी अपने नापी को अपने वो गलत ठहराया है और फिर से लोकसभा चुनाव के बाद में गलत नापी DCLR महोदय के पक्ष में लेकर के और गलत रिपोर्ट बना करके भेज रहा है। हम मांग करते हैं जो भूमाफियाओं पर FIR दर्ज हो, जो वो स्वामी है उन पर भी FIR दर्ज हो, जो उन्हें सरकारी बाउंड्री कैसे तोड़ा, और हम मांग कर रहे हैं जो अविलंब उन पर कार्रवाई हो और मांग करते हैं अविलंब जिलाधिकारी महोदय से जो बाउंड्री तोड़ा गया है, जो बाथरूम तोड़ा गया है उसको अविलंब निर्माण किया जाए और भूमाफिया को चिन्हित करके उस पर FIR दर्ज कराया जाए। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जमीन दखल करने वाले भूमाफियाओं प्रशासन दबाव की बाउंड्री वॉल से गलत तोड़ने वाले भू माफियाओं पर अब तक अपराधी को गन्ना करके जेल क्यों नहीं भेजा गया, जिला प्रशासन दबाव अस्पताल भू माफिया बगाओ अस्पताल बचाओ जन संघर्ष समिति जिंदाबाद, भू माफिया बगाओ अस्पताल बचाओ जन संघर्ष समिति जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। अरे सरैया अंचल के अमीन राहुल कुमार को अभी बर्खास्त करना होगा, सरैया अंचल के अमीन राहुल कुमार को अभी बर्खास्त करना होगा, सरैया चिकित्सा प्रभारी DC शर्मा को अभी बर्खास्त करो, सरैया हॉस्पिटल के प्रभारी DC शर्मा को अभी बर्खास्त करो, DC शर्मा को बर्खास्त करो, सरैया अस्पताल की जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराओ,
अस्पताल की जमीन को भू माफियाओं को कब्जे से मुक्त कराओ। अस्पताल की 62 फीट जमीन को भू माफियाओं को कब्जे से मुक्त कराओ।